सारण के गड़खा प्रखंड के मिठेपुर गांव स्थित उच्च सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कदना परिसर में पोषण वाटिका विकसित की गई है। यहां बच्चों को संतुलित आहार के लिए मौसम के अनुरूप गार्डन में फल और सब्जियों के साथ साथ छायादार पौधे भी लगाए गए हैं, जिसमें बच्चों को पौष्टिक आहार वितरण का भरपूर लाभ मिल सके। हैरत की बात यह है कि कदना के परिसर में विकसित पोषण वाटिका में लगे गोभी के पौधों के बीच एक दो नहीं बल्कि पाँच पाँच गोभी के फूल एक साथ निकल आए हैं। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक ही पौधे में एक साथ चार चार फल लगे हुए हैं। बीच में लगा गोभी का फूल चारों कोनों पर लगे फूल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। उच्च विद्यालय स्कूल परिसर में लगे इस पौधे को देखने के लिए आसपास के गांव के किसान पहुंच रहे हैं। वहीं माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल भूषण सिंह ने कहा कि बाजार से गोभी के छोटे पौधे खरीद कर लगाए गए हैं। हमारे यहाँ सभी छात्र छात्राओं को इस वाटिका में खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाती है और इसके साथ ही पोषण वाटिका में उगाए गए सब्जियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। वहीं इस एक फूल गोभी में लगे पाँच पाँच पौधे को देखकर उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी जांच करने का आग्रह किया है। वाटिका में एक फूल गोभी के पौधे में पाँच फूल है जो जाँच का प्रश्न है। जिला कृषि पदाधिकारी से आग्रह हम करेंगे कि इसको रिसर्च कराएं। सर, इस फूल की खेती के लिए क्या उद्देश्य है, कैसे मैंने आप खेती बच्चों को सीख के लिए? क्या नाम हुआ सर आपका? प्रधानाध्यापक आदर्श मध्य विद्यालय। बता दें कि पोषण वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल या घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम के द्वारा विभिन्न मौसमों में मौसमी फल और विभिन्न तरह की सब्जियों को जैविक तरीके से उगाया जाता है। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी और कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर के लिए फल और साग सब्जियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट।